तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन हाउ आर यू ऑल कैसे हैं सभी लोग एक बार जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाइए डिजाइन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों तो आज हम बात करने वाले हैं डिजाइन ऑफ क्लच की और यूपीटी पी टी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इनमें से कौन सा थ्योरी अच्छा है हमारे लिए और कौन सा थ्योरी इस दुनिया में देखने के लिए बहुत अच्छा है मतलब सर यहां दो बातें हैं ध्यान से सुनिएगा कौन सा त्यूरी हमारे लिए अच्छा है मतलब विच वन इज सेफ कौन सा सेफ है और दूसरी बात इन दोनों में से देखने में कौन सा अच्छा है अगर मैं बात करना चाहूं तो ये दो बातें अलग है आज मैं आपको यही चीज सिखाने आया हूं डिजाइन ऑफ क्लच की दुनिया में आज आप सभी का स्वागत है चलिए शुरुआत करते हैं आज मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं इस वीडियो में क्या क्या करने वाला हूं मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लच क्या है फ्रिक्शनल क्लच के ऊपर बात करूंगा फ्रिक्शन क्लच मतलब प्लेट क्लच के ऊपर बात करूंगा दैट इज सिंगल क्लच क्लच प्लेट के ऊपर पहले आज मैं चर्चा करूंगा जिसके अंदर मैं यूपीटी यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का डेरिवेशन करूंगा यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का पूरा डेरिवेशन मैं आपको यहां सिखाऊंगा उसके बाद मैं एट द एंड आपको सिखाने वाला हूं कि कौन सा थ्योरी हमारे लिए सेफ है ठीक है ना और कौन सा थ्योरी हमें देखने में अच्छा लगता है तो ये सारी चीजों को हम देखने के लिए आज आए हैं आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास है क्यों क्योंकि आज की क्लास से बनता है न्यूमेरिकल तो आज की क्लास से बनता है आपके गेट में एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल सो डोंट टेक एनी टेंशन हम करते रहेंगे आपके साथ जुड़े रहेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सो डोंट टेक एनी टेंशन गाइज क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया हूँ ठीक है ना आज मैं आप लोगों के लिए फ्रिक्शन क्लच बनाकर लेकर आया हूँ कुछ चीजें लेकर आया हूँ ठीक है ना ध्यान रखना बकायदे मैं आप लोगों को कुछ डिस्क वगैरह दिखाऊंगा बकायदे कुछ मोशन दिखाऊंगा ठीक है ना यूपीटी पी टी का डेरिवेशन आपको फील कराऊंगा आई गारंटी कि अगर यहां से फील नहीं हुआ तो छोड़ के चले जाना क्लास ये मैं गारंटी देता हूँ ठीक है ना सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सो हेलो एवरी वन दिस इज आटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ट एम सी चैनल पर न हो चैनल पर सब्सक्राइब करो बेल आइकन का बटन दबाओ हमारे साथ जुड़ जाओ चलो शुरुआत करते हैं सो so, गाइज <coughs> अगर बेसिकली मैं अपने बारे में बताना चाहूँस आई एम एक्सपर्ट इन गेट एंड डी एस सी एम टेक फ्राम आई आई टी फोर टाइम्स गेट टॉप रैंकर नाइन ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्ट टेकन बाई मी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोक लाइफ के नाम से आप सभी लोग मुझे जानते हैं प्लस के और आईकॉनिक के प्लेटफॉर्म पे अगर मैं अपनी बात करना चाहूँ यू कैन सी दिस अगर आप प्लस लेते हो या आइकॉनिक लेते हो तो आपको आलोक लाइव कोर्ड लगाना है बस इस बात को ध्यान रखना है प्लस पे आपको मैजिकल लाइव क्लासेस रैंक इंप्रूवमेंट बैच इंग्लिश हिंदी बैचेस डाउट सॉल्विंग सेशन जहां आप बोलकर अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो वीकली टेस्ट क्रैश कोर्स ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो ना आइकॉनिक में अगर आप बात करते हो तो प्लस का पूरा फायदा मिलेगा इसके साथ साथ पर्सनल कोच स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस सेट स्टडी प्लानर बूस्टर सेशन टेस्ट एनालिसिस ये सारी चीजें आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर देखने को मिलता है फीलिंग के साथ आपको पढ़ाया जाता है है मैजिकल लाइव क्लासेस होता जिस जिस बच्चे ने सब्सक्रिप्शन लिया उसका पहली क्लास के बाद आप देख सकते हो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ दिस क्लासेस ठीक है ना आप एक सिंगल क्लास लेकर देखो आपको फील हो जाएगा मजा आएगा ठीक है ना बारह महीने अठारह महीने चौबीस महीने का कोई भी सब्सक्रिप्शन हो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो यू कैन सी दिस अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो यहां भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो बारह महीने चौबीस महीने के साथ साथ यू कैन सी दिस ठीक है दिसकेडमी लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए इंस्टॉल करने के बाद आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं अनकेडमी डॉट कॉम स्लैस एट द रेट आलोक लाइव यू कैन सी दिस <coughs> आप मेरे सारे लेक्चर्स फ्री एक्सेस कर सकते हो आलोक लाइव पासवर्ड लगाकर Now, my dear friend, so, special class, special कुछ स्पेशल है आप लोगों को शायद पता है कितने बच्चों को पता है कमेंट बॉक्स में लिख दो में आज क्या स्पेशल है कितने कितने लोगों को पता है जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दोगे आज स्पेशल क्लास में क्या स्पेशल है नाउ माय डियर फ्रेंड गेट एंड मेगा होने वाला है ट्वेंटी नाइन्थ अगस्त आप अगर हमारे साथ यहाँ जुड़ते हो तो यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट इनाम देखने को मिलते हैं यू कैन सी दिस आईपैड मिनी आपको स्मार्ट वॉच जे यू कैन सी दिस इनाम देखो टॉप टू रैंक स्टूडेंट को यहाँ तक का आपको पूरा इनाम मिलेगा टॉप टू स्टूडेंट्स को यहाँ तक का मिलेगा सिर्फ एक घंटे में बीस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ठीक है ना संडे uh, ये आने वाला संडे है ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अगस्त उसमें मॉर्निंग इनरोल कर लो मेरा कोड है आलोक लाइव आलोक लाइव लगा के आप इनरोल कर सकते हो और इसके साथ साथ यहाँ ये वन टू टू हंड्रेड तक के स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि देखो इस बार क्या हुआ है फिफ्टी वन से टू हंड्रेड स्टूडेंट को मतलब आप अभी तक क्या होता था हंड्रेड रैंक तक के स्टूडेंट को ही मिलता था ट्वेंटी परसेंट फाइव ट्वेंटी परसेंट ऑफ फिफ्टी वन से टू हंड्रेड तक को मिल रहा है ठीक है ना ध्यान रखिये ऑफर कोड बेटा याद रखना लोक लाइव याद रखिएगा बारह महीने पे दो महीने चौबीस पे चार महीने आपको मिल रहे हैं, आलोक लाइव कोड लगाइए और हमारे साथ यहां जुड़ जाइए कोई भी इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट लगे आप हमें जरूर बताइए कोड आलोक लाइव आलोक लाइव क्या है ठीक ना आलोक लाइव एक विश्वास है याद रखिएगा आज से स्टार्ट हो रहा है बेटा यस आज पानी पानी हो जाएगा बिल्कुल सत्य बात है ठीक ना, The Spartans batch start हो रहा है फॉर फ्लू मैके प्लस करके दिखाएंगे सात बजे आठ बजे नौ बजे ये तीन टाइम पे आज आपकी क्लास है आज तीन क्लास है, उसके बाद कल से एक एक क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस पे होंगी ये सारी क्लासेस स्पेशल क्लास में होगी यूट्यूब पे नहीं होगी ठीक है ना यूट्यूब पर आपका जो चल रहा है वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा ठीक ना लेकिन मैं ये स्पेशल क्लासेस में लूंगा यू कैन सी दिस हैशटैग आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है डिजाइन मेरी जान याद रखना चलो भाई शुरुआत करते हैं डिजाइन ऑफ क्लच की ठीक ना चलो भाई तो फ्रिक्शनल क्लच पे मैं कल बात कर रहा था गिडियर यू कैन सी दिस कल मैंने फ्रिक्शन क्लच आपको पढ़ाया था कई सारे बच्चे देखे भी थे यू कैन सी दिस ठीक ना सभी लोगों ने देखा था ना फ्रिक्शन क्लच क्लच की क्लास सभी लोगों ने देखा था ना कल बताओ यस और तो कल मैंने आपको क्या बताया था क्लच इज एंगेजिंग और डिसंगेजिंग ठीक है ना एंगेजमेंट और डिस न, इंगेजमेंट और करने वाला है सी दिस ऐसा ही था कुछ ऐसा ही था कुछ यस और नो ऐसा ही था कुछ ना जब अपन क्लच दबा रहे थे यू कैन सी दिस जब अपन ने क्लच दबाया था तो क्लच क्या हो जा रहा था डिसंगेज क्लच क्या हो जा रहा था डिस लेकिन जब हम क्लच को इंगेज कर रहे थे तो अपन क्या अप्लाई कर रहे थे जब हम क्लच को इंगेज कर रहे थे तो हम क्या अप्लाई कर रहे थे हम अप्लाई कर रहे थे एक्सियल फोर्स ठीक है ना क्योंकि जब इसको एंगेज करना होगा जब इसको इंगेज करना होगा तो हमको क्या लगाना होगा एक एक्सियल फोर्स मतलब अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाना चाहता हूं इंगेज करना चाहता हूं तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा एक एक्सियल फोर्स अप्लाई करने में यस और नो सर आप ये क्यों लेकर आए हो न सी दिस अभी सब समझ में आ जाएगा क्यों लेकर आए हैं ये सारा सारी चीजें डाउट क्लियर कर देगा डोट सारा डाउट क्लियर कर देगा ये नाउ माई डियर फ्रेंड क्लच प्लेट यू कैन सी दिस कल मैंने आपको बताया क्लच प्लेट जो है इसी वजह से क्लच प्लेट को हम फ्रिक्शनल प्लेट क्यों कहते हैं वाई बिकॉज इसके ऊपर जो है ना यहाँ फ्रिक्शन लाइनिंग खींची जाती।, जाती है इसके ऊपर क्या खींची जाती है फ्रिक्सन लाइनिंग खींची जाती है और ये क्या होता है जब कनेक्ट होता है ना तो ये फ्रिक्शन लाइनिंग के कारण फ्रिक्शन होने के कारण हमारा इसके अंदर कॉन्टेक्ट अच्छा बनता है और इसके ऊपर स्प्रिंग लगा होता है आपको याद होगा मैंने इसके ऊपर चार स्प्रिंग लगाया था आपको याद है चार स्प्रिंग था एक दो तीन चार क्यों क्योंकि क्लच जब कांटेक्ट में आएगा तो क्लच ऐसे ऐसे रोटेट करेगा तो उस समय वाइब्रेशन कंट्रोल करने वाला कोई तो होना चाहिए यू कैन सी दिस तो इसीलिए हमने वो लगाया था हेलिकल स्प्रिंग ठीक ना क्या हुआ सर प्लीज रिप्लाई मशीन डिजाइन क्वेश्चन कब से होगा आ, आपका ये मशीन डिजाइन क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगा अक्टूबर में शाम को और क्वेश्चन सीरीज सिर्फ और सिर्फ शाम को ही चलेगा इस क्लास में कोई वो नहीं होगा साढ़े नौ बजे नाइन थर्टी ए एम ऑनली रेगुलर कोर्सेस ना कोई भी क्रैश कोर्स नहीं है कोई भी क्रैश कोर्स नहीं है अगर मेरा कोई दूसरा कोर्स आना होगा क्रैश कोर्स क्वेश्चन सीरीज सब तीन बजे के बाद डोंट टेंशन अगर क्रैश कोर्स अगर अगर चल के मैं स्टार्ट भी करता हूं ना तो मैं 3 पीएम से ही स्टार्ट करूंगा और क्वेश्चन सीरीज अगर स्टार्ट करता हूं ना तो 4:30 थर्टी पी से क्वेश्चन सीरीज ही चलेगा इस कोर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा ठीक है ना ध्यान रखना ये टाइम जो है ये रेगुलर कोर्स का है पढ़ने का टाइम याद से क्रैश कोर्स जो है रिविजन कोर्स अपन तीन बजे से स्टार्ट करेंगे अभी नहीं आने दो अभी सारा एग्जाम हो जाने दो गेट का फॉर्म भर जाने दो गेट का फॉर्म भरेगा उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे ठीक है ना मतलब आप मान सकते हो कि सितंबर के एंड या अक्टूबर के स्टार्टिंग से क्रैश कोर्स हम ले आएंगे हम ठीक ना मैं ले आऊंगा मतलब मेरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा मैं अपनी बात कर रहा हूँ ठीक ना तो भाई इसका नाम है फ्रिक्सन क्लच यू कैन सी दिस का नाम है फ्रिक्सन क्लच एफ एम का पूरा का पूरा डिटेल्ड थ्योरेटिकल है बेटा एफ एम पूरा पूरा डिटेल्ड थ्योरेटिकल है theoretical है. So my dear friend you can see this. This is name match friction clutch. What is the name match friction clutch? Friction इसलिए kaha gaya kyunki एक friction clutch has its principal application in the transmission of the power shaft machine which must started and stopped it frequently. Friction clutch वहाँ use किया जाता है जहाँ हम लोगों को ज़्यादातर clutch को दबाकर use करना होता है. जैसे bike वगैरह में आप देखे हो? Yes sir bike वगैरह में देखे हैं. आप क्लच दबाते हो गियर बदल दो फिर दबाते हो फिर बदल दो तो फ्रीक्वेंटली यूज करते हो आप क्लच का है ना ऐसे कार वगैरह में भी देखे होंगे तो फ्रिक्शन क्लच वही यूज किए जाते हैं जहां स्टार्ट एंड स्टॉप फ्रीक्वेंटली होता है ठीक है ना इस वर्ड को याद रखना ठीक है ना जहां स्टार्ट एंड स्टॉप फ्रीक्वेंटली होता है इट इज एप्लीकेशन आल्सो फाउंड इन द केस पावर टू बी डिलीवर टू मशीन पार्सली और फुल्ली लोडेड किसी भी मशीन को पार्सली और फुली लोडेड अगर आपको देना है मतलब उसके ऊपर लोडिंग जो है आपका पार्सली और फुली लोडेड है तो उस समय उस सिचुएशन में फ्रिक्शन क्लच ही हमारे लिए बेटर होता है क्योंकि मिस अलाइनमेंट का जो है मिस अलाइनमेंट कम होने का चांसेस है यू कैन सी दिस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज यूज टू स्टार्ट द ड्राइवर साफ्ट यू कैन सी दिस एक ड्राइवर साफ्ट से ड्रिवेन पे और ड्रिवेन साफ से आप देख सकते हो मोशन हमारा क्या होता है आगे ट्रांसमिट होता है मतलब एक ड्राइवर साफ्ट होता है एक ड्रिवन होता है। दोनों आपस में क्या होता है, रीजन है।, अभी ये रीजन है। मैं आपको बताऊंगा ठीक है यू कैन सी दिस कल हमने ये देखा था डियर यू कैन सी दिस एक प्रेशर प्लेट है इसके ऊपर एक्सीयल फोर्स लगेगा तो इंगेज होगा और एक्सीयल फोर्स हटा दो तो क्या होगा डिसंगेज यू कैन सी दिस सॉरी जब आप फोर्स लगाओगे तो डिसंगेज होगा और छोड़ दोगे तो इंगेज हो जाएगा यू कैन सी दिस देखो फोर्स 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 लगाओ होगा ऐसे छोड़ दोगे क्या हो जाएगा? इंगेज हो जाएगा जाएगा इंगेज कैसे लग रहा है डियर हमेशा एक्सियल लगता है हमेशा याद रखेगा फोर्स कैसे लगता है एक्सियल कैसा फोर्स अप्लाई होता है हमेशा एक्सियल फोर्स अप्लाई होता है कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इस बियरिंग का नाम क्या है तो आपको नाम याद रखना है एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग कल मैंने बोला था ये क्या है तो आप कहोगे प्रेशर प्लेट क्या कहोगे प्रेशर प्लेट सर इसका दूसरा नाम इसका दूसरा नाम है फ्रिक्शन प्लेट क्या नाम है फ्रिक्शन प्लेट यू कैन सी दिस देखो ध्यान से आशा करता हूं इतना नाम आपको पहले से ही क्लियर है कल मैंने कर दिया था यू कैन सी दिस देखो यहां स्प्रिंग है यहां स्प्रिंग है यहां स्प्रिंग है यहां स्प्रिंग है दिख रहा है ये चार स्प्रिंग किस लिए है सर 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 शॉक एंड वाइब्रेशन को करने के लिए डन डन इतनी बात तो सबको क्लियर है सर सबको समझ में आती है देखो ध्यान से जब जब दबाए तो डिस और जब छोड़े तो इंगेज देखो दिख रहा है एक बार देखो मजेदार तरीके से दिख रहा है यू कैन सी दिस सी दिस सीध सी दिस इस साइड से क्या है बेटा एक्सीयल फोर्स इस साइड से क्या है एक्सीयल फोर्स अप्लाई हो रहा है एक्सियल फोर्स अप्लाई हो रहा है ये इस पे जाके टकरा गया यू कैन सी दिस क्लियर क्लियर है ना क्लियर ना बहुत अच्छा चलो सो माई डियर फ्रेंड अभी इस लाइन को भी हम करेंगे तो हमारे कुछ क्लच हैं यू कैन सी दिस डिस्क और प्लेट क्लच ठीक है ना जिसको हम कल प्लेट क्लच वर्ड यूज किए थे ना इसको हम लोग डिस्क क्लच भी कहते हैं इसके अंदर सिंगल डिस्क और मल्टीपल डिस्क होता है मतलब सिंगल प्लेट और मल्टीपल प्लेट क्लच एक होता है कौन क्लच एक होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच अभी इन दोनों को हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे दूसरी क्लासेस में आज जो मुझे पढ़ना है आज हमारा टॉपिक है ये आज का टॉपिक है डिस्क और प्लेट क्लच याद रखना आज का टॉपिक है डिस्क और प्लेट क्लच आप प्लेट क्लच में आज आप बात करोगे सिंगल डिस्क क्लच सिंगल प्लेट क्लच के आफ्टर दैट उसके बाद समय मिला तो आज हम मल्टीपल डिस्क क्लच भी क्या होगा सिंगल डिस्क क्लच में क्या होता है बेटा एक प्लेट सिंगल एक प्लेट लगा होता है ठीक ना एक सिंगल प्लेट लगा होता है यू कैन सी दिस ठीक ना मतलब आप पेयर आप कह लो मतलब आप सिंगल प्लेट का मतलब यह है बेटा सिंगल डिस्क या सिंगल प्लेट क्लच कहने का मतलब है कि फ्रिक्शनल डिस्क एक होगा ठीक है ना फ्रिक्शनल डिस्क एक होगा यू कैन सी दिस ठीक है ना मेन जो आज का बात करना है यू कैन सी दिस तो अभी अभी आपने देखा कि यहां फोर्स लगाओगे ये आगे आ जाएगा जो मेन हमारी चर्चा करनी है वो हमारा इस पे यू कैन सी दिस यू कैन सी दिस देखो ध्यान से ये क्या है देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो जब आप किसी क्लच को देखते हो बच्चा लोग ध्यान से देखने ठीक है जस्ट हाँ, जब आप किसी क्लच को देखते हो तो यहां आपको क्या क्या दिखाई देता है सर हम जब किसी क्लच को देखते हैं तो एक तो हमारा ये साफ्ट है जी सर तो एक हमारा साफ्ट है तो साफ्ट का एक रेडियस होगा जी सर और एक क्या है? एक हमारा ये है एक हमारा आउटर रेडियस है जी सर सो माई डियर फ्रेंड एक तो हमारा इनर रेडियस हो गया एक हमारा क्या हो गया आउटर रेडियस क्लियर है देखो एक हमारा इनर रेडियस हो गया एक हमारा क्या हो गया आउटर रेडियस आउटर रेडियस क्या हो गया डियर यू कैन सी दिस यू कैन सी दिस ये हमारा क्या हो गया दिस वन इज आउटर रेडियस दिस वन इज आउटर रेडियस एंड ये साफ्ट का जो अगर मैं बात करना चाहूं इसके सेंटर से साफ्ट के सेंटर से दिस इज इनर रेडियस एक काम करता हूं मैं इसको अलग से बना देता हूं आप लोग को समझ में आएगा ठीक है यहां बना देता हूं जस्ट अ सेकेंड देखो ध्यान से तुम लोगों को यहां समझ में आएगा ठीक है ना ये हमारा क्या है बेटा ये हमारे हाथ में जो है ये ध्यान रखेगा दिस इज क्लच अब हमें क्या करना है यू कैन सी दिस इसका ये सेंटर हो गया जी सर अब हम ये कह रहे हैं बेटा अगर इसका ये सेंटर है तो इसके सेंटर पे एक साफ्ट का भी है जी सर तो माय डियर फ्रेंड अगर मैं इसको यहां बनाते हैं, ठीक अगर मैं इसको आगे की तरफ देखूं देखना ध्यान से गई तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपको डेरिवेशन समझ में आए दिस। देखो ध्यान से देखना ध्यान से देखना अगर मैं सी दिस देखो ध्यान से अब अगर मैं बात करना चाहूं डियर कि यहां से रेडियल डिस्टेंस यहां से रेडियल डिस्टेंस तो यू कैन सी नौ सो डियर ये क्या है हमारा इनर रेडियस इसका नाम मान लो हम r1 मान ले ये क्या है हमारा आउटर रेडियस इसका नाम मान लो हमने r2 मान लिया डन इनर रेडियस आउटर रेडियस क्या होता है इतनी बात क्लियर है एक बार बताओ इनर रेडियस आउटर रेडियस क्या होता है इतनी बात क्लियर है एक बार बता दो डन करके एक बार डन करके बता दो इनर रेडियस आउटर रेडियस क्या है समझ में आया इनर रेडियस आउटर रेडियस क्या है इतनी बात समझ में आ गई एक बार बताओ ठीक है ना अगर मैं इसका दूसरा पिक्टोरियल व्यू दिखाना चाहूं यू कैन सी दिस अगर मैं इसका दूसरा पिक्टोरियल व्यू दिखाना चाहूं तो मैं तुम्हें ऐसे दिखा सकता हूं ठीक ना तुम्हें मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि जैसे मान लो जैसे मान लो कोई साफ्ट है लेटर सपोज जैसे कोई साफ्ट है उसका ये सेंटर है यू कैन सी दिस ध्यान से देखो और इसके ऊपर इसके एक फ्रिक्शन लाइनिंग है दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज फ्रिक्शन लाइनिंग ठीक है ये क्या है डियर सर दिस वन इज फ्रिक्शन लाइनिंग फ्रिक्शन प्लेट नाउ माय डियर फ्रेंड अगर मैं बात करना चाहूं दिस इज इनर रेडियस आर वन एंड दिस इज आउटर रेडियस आर टू बोलो हा या ना कैसे सर समझे नहीं देखो ध्यान से बेटा जी सर इनर रेडियस साफ्ट है ना जी इनर रेडियस तो साफ्ट का रेडियस है ना सर यस आउटर रेडियस क्या है सर आउटर रेडियस तो डिस्क का ये yes, डिस्क का रेडियस है आउटर रेडियस जी सर यू कैन सी दिस अगर इस सेंटर से मैं यहां तक का देखूं तो डिस्क का नो डियर फ्रेंड जितने डिस्टेंस में आपको ये सर्किल दिख रहा है दिस डिस्क डिस्क ये आपको जितना आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा डिस्क क्या है फ्रिक्शन लाइनिंग से भरा हुआ है आप चाहे इसको देख लो चाहे इसको देख लो बात एक ही है क्या है भाई फिर से समझो दिस इज द साफ्ट दिस इज द साफ्ट ये एक साफ्ट है साफ्ट के सेंटर से इनर रेडियस और यहीं से आउटर रेडियस होता है इसके सेंटर से आउटर रेडियस इसके सेंटर से इनर रेडियस जो बचा हुआ हिस्सा है ये पूरा का पूरा ये पोर्शन क्या है सर दिस दिस इज इज द द फ्रिक्शन 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 लाइनिंग लाइनिंग से भरा हुआ इसीलिए तो इसको कहते हैं हम प्लेट इसके ऊपर फ्रिक्शन लाइनिंग पूरा है इसीलिए तो हम इसको कहते हैं फ्रिक्शन प्लेट आर यू गेटिंग माई पॉइंट मेरी बात इतनी समझ में आ गई एक बार बताओ इतनी समझ में आगे एक बार बताओ ठीक है ना अगर मैं इसी चीज को आपके फ्रंट में दिखाना चाहूं तो वही चीज आ गया सेम टू तो सेम जो मैंने आपको अभी बताया था कि फ्रंट में अगर मैं दिखाना चाहूं फ्रंट में दिखाना चाहूं यू कैन सी दिस सर ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा R2 क्लियर है कई सारे बच्चों को इनर और आउटर रेडियस ही क्लियर नहीं होता सत्य बात यह है ना माइ डियर फ्रेंड अब मैं एक चीज कहता हूं कि तुम इस क्लच प्लेट के ऊपर फोर्स कैसे लगा रहे हो तुम इस क्लच प्लेट के ऊपर फोर्स कैसे लगा रहे हो तो तुम मुझे कहे कि सर मैं इस क्लच प्लेट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं कैसे लगा रहा हूं एक्सियली फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो इस क्लच प्लेट के ऊपर तुम कैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो एक्सियली नाउ माई डियर फ्रेंड अगर मैं बात करना चाहूं एक्सियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अगर मैं एक्सियल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं डियर अगर मैं इसके ऊपर एक्सियल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो कोई ना कोई एक तो पॉइंट होगा जिस पे ये सारा फोर्स जो होगा सारा प्रेशर जो होगा मैं फोर्स क्या मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं मैं जब क्लच पैड दबाता हूं ना मैं जब क्लच लेता हूं ना तो मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं यू कैन सी दिस कोई ना कोई एक पॉइंट तो होगा जहां हमारा सारा प्रेशर क्या होगा बैलेंस हो गया होगा बिल्कुल है सर यू कैन सी दिस एक पॉइंट तो ऐसा मिला जिसपे हमारा सारा प्रेशर क्या हो गया होगा बैलेंस हो गया होगा अब मुझे इस कितना प्रेशर देखो एक तो ऐसा पॉइंट होगा जिसपे हमारा सारा प्रेशर क्या हो गया होगा बैलेंस हो गया होगा बैलेंस हो गया होगा मतलब क्या मैं अभी समझा अभी आपको सब समझ में आ जाएगा देखो अरे अभी देखिए ठीक है अब मैं कह रहा हूं बेटा एक हमारा इनर रेडियस एक हमारा आउटर रेडियस नाउ एक कोई ना कोई सर्किल तो होगा यू कैन सी दिस जस्ट अ अभी देख लोगे कोई ना कोई तो सर्किल होगा जिसपे हमारा प्रेशर क्या हो गया होगा बैलेंस हो गया होगा मतलब जो प्रेशर आ रहा होगा इस पर अटैक कर रहा होगा जी सर अब सुनो मेरी बात अब कोई ना कोई एक सर्किल तो होगा जिस पे हमारा पूरा सिस्टम क्या होगा होगा बैलेंस हो रहा होगा हमारा फोर्स आ रहा होगा हमारा प्रेशर एक्सियल ही आ रहा होगा हमारा प्रेशर कैसे आ रहा होगा डियर हमारा प्रेशर एक्सियली आ रहा होगा और कोई ना कोई तो ऐसा एक सेक्शन होगा जिस पे हमारा यूनिफॉर्म मात्रा में लग रहा होगा यूनिफॉर्म में प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा जी सर Now, अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है यार तुम लोग मटेरियल ही पहले पढ़ लो यूपीटी यूडब्ल्यू मत पढ़ो पहले जो समझा रहे हैं वो मत समझो मटेरियल पहले चाहिए तुम लोगों को मतलब मटेरियल का मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है जिस क्वेश्चन का अभी उसको अभी पूछना ज्यादा जरूरी है पहले ये पता चला नहीं कि फ्रिक्शन लाइनिंग क्या है मटेरियल बता दीजिए इसका घर कहां है इसकी शादी करवानी है ठीक है ना बीच में मत बोलो कोई कमेंट नहीं करेगा मैं कमेंट ऑफ कर दूंगा कमेंट मत करो ध्यान से देखो सी दिस कोई तो ऐसा एक सर्किल होगा जिसपे पूरा का पूरा फोर्स हमारा क्या होगा बैलेंस हो रहा होगा जी सर प्रेशर जो होगा हमारा पूरा यूनिफॉर्म जा रहा होगा सर अगर मुझे उसको कैलकुलेट करना है अगर मुझे उसको कैलकुलेट करना है तो मुझे इस पे अंदर एक एक थिकनेस देना पड़ेगा जिसके ऊपर हम इंटीग्रेट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं यू कैन सी दिस देखो दिखाता देखो ध्यान से यू कैन सी दिस मैंने क्या किया इसके ऊपर एक एलिमेंट कट किया दिस मैंने इसके ऊपर क्या किया एक लिटरली एक आर डिस्टेंस पे मैंने एक सर्किल लिया और इसके ऊपर मैंने क्या किया बेटा

आपके मन में आ रहा होगा ना कि सर को क्या हो गया सर चाय भाई पी के आने लगता है सर एलिमेंट क्यों हो गया एलिमेंट क्यों आपने कट किया पहला क्वेश्चन डियर यू कैन सी दिस मैं मैं इस पूरे फ्रिक्शन लाइनिंग पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं मैं इस फ्रिक्शन लाइनिंग पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो कितना कर रहा हूं मेरे को कैसे पता तो मुझे पता होना चाहिए ना कि क्या लिमिट तक मैं इसके अंदर प्रेशर अप्लाई करता हूं क्या होना चाहिए सारी मुझे पता होनी चाहिए। ठीक ना? जब मैं इसके कहता हूं बेटा कि मुझे यहां कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा मैंने, मैंने क्या किया आर डिस्टेंस पर एक सर्किल मतलब एक स्ट्रिप कट कर लिया जिसपे मैंने अज्यूम किया हुआ है कि यहां सारा प्रेशर यही लग रहा है ठीक है ना अब मैं क्या करूंगा इसको इंटीग्रेट करूंगा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा आर वन से लेकर आर टू तक कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा यू कैन सी दिस कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा आर वन से लेकर आर टू क्यों सर अरे भाई फ्रिक्शन कहां से कहां तक है सर यहां से लेकर यहां तक यस यू कैन सी दिस देखो आर वन से लेकर आर टू तक अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा So, मेरा पूरा का पूरा फ्रिक्शन प्लेट आ जाएगा यू कैन सी दिस ध्यान से देखते जाना क्लियर है इतनी बात क्लियर है बेटा इतनी बात क्लियर है यस और नो यस और नो इतनी बात क्लियर है एक बार बताओ क्लियर है एक बार बताओ जल्दी ठीक है ना ना अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं बेटा इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर जो मैंने एक एलिमेंट कट किया इस एलिमेंट का चौड़ाई मैंने क्या मान लिया इस एलिमेंट का चौड़ाई मान लिया मैंने डी आर जो एलिमेंट है उसका लेंथ इसका जो एलिमेंट है ये जो मैंने एलिमेंट कट किया इस एलिमेंट का चौड़ाई क्या मान लिया मैंने डी आर समझ गए छोटा रेडियस डी आर यू कैन सी दिस नाउ अब हम क्लच के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जी सर क्लच के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जस्ट लाइक दिस अभी मैं आपको सब दिखाता हूं भाई ठीक है ना हम क्लच के ऊपर क्या कर रहे हैं बेटा हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ठीक है न? ना क्लच के ऊपर मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं नाउ लाइक दिस मैं कैसा फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एक्सियली कैसा फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एक्सियली यहां 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 यहा. हर जगह मैं क्या कर रहा हूँ एक्सीयली फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ यस और नो तो ये फोर्स कैसा है तुमको सामने से दिखेगा क्या नहीं सर मैं बोर्ड पे दिखा सकता हूं क्या नहीं सर बोर्ड पे नहीं सो कर सकता हूं मैं ऐसे सो कर सकता हूं तुम्हें ठीक है ना तो माई डियर फ्रेंड हमारा जो फोर्स होगा वो एक्सियली जा रहा होगा यस और नो हमारा जो फोर्स होगा वो एक्सियली इंटर कर रहा होगा यस और नो जी सर हमारा फोर्स जो होगा वो एक्सियली इंटर कर रहा होगा किस एरिया पे सर इस एरिया पे तो माई डियर फ्रेंड अगर मैं तुमसे पूछू कि ये एक्सीयल फोर्स कितना है अगर मैं तुमसे पूछू ये एक्सियल फोर्स कितना है इस स्मॉल एलिमेंट में इस स्मॉल एलिमेंट में ये एक्सीयल फोर्स कितना है तो माई डियर फ्रेंड तुम क्या कहोगे एक्सीयल फोर्स एक्सियल फोर्स और स्मॉल एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट का एक्सल फोर्स है तो जाहिर सी बात है कि डी डब्ल्यू होगा छोटा फोर्स स्मॉल एलिमेंट बात करो तो डी डब्ल्यू होगा जी सर फोर्स क्या होगा भाई प्रेशर इनटू एरिया फोर्स क्या होता है प्रेशर इनटू एरिया या प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स क्या होगा प्रेशर इनटू एरिया भाई प्रेशर तो पी लग रहा होगा क्योंकि यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर पी है इनटू एरिया क्या है इस स्ट्रिप का इस स्ट्रिप का एरिया क्या है कोई बताएगा इस स्ट्रिप का एरिया क्या है सर इस स्ट्रिप का एरिया देखने के लिए ना आप इस स्ट्रिप को हो टू पाई डी आर अब टू पाई डी आर क्यों होगा अगर वो भी नहीं आता तो बता देता हूं इस स्ट्रिप को काट के बाहर निकाल दो जस्ट लाइक आप बेल्ट पहनते हो कमर कमर में बेल्ट पहन तो बोलो हाँ या ना अगर मैं तुमसे पूछूं, बेल्ट अगर तुमने अभी पहना हुआ है और मैं तुमसे पूछू बेल्ट का एरिया क्या है तो तुम क्या करो कुछ मत करो उस बेल्ट को खोलो सीधा कर दो ठीक है भाई इसको खोला और सीधा कर दिया जब मैंने सीधा किया ना तो ये चौड़ाई मुझे दिखा डी और लंबाई क्या दिखा लेंथ क्या दिखा इस सर्किल का लेंथ सर्किल का लेंथ क्या होता उसका सर्कम फ्रेंस इज आर अब तुम इसका एरिया ले लो टू पाई आर इज लेंथ एंड इज डी आर तो टू पाई आर इन टू डी आर दरिया नाउ माइ डियर फ्रेंड दिस इज डी डब्ल्यू ये क्या है डी डब्ल्यू ये वो फोर्स है जो आपका एक्सियली लग रहा है आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ अब मैं अगर आपसे कहता हूं बेटा ये तो ये तो एलिमेंट पे है स्मॉल एलिमेंट पे तो वट इज द टोटल एक्सियल फोर्स सो माई डियर फ्रेंड टोटल एक्सीयल फोर्स टोटल एक्सीयल फोर्स क्या होगा भाई तो भाई डियर फ्रेंड टोटल एक्सीय फोर्स होगा इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक आर वन से आर टू तो W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आर वन टू आर टू पी इंटू टू पाई आर डी आर बोलो हाँ या ना टोटल एक्सियल फोर्स समझ में आगे बार बताओ आया ना, आया समझ में पेशेंस का नतीजा देखने को मिलेगा अगर तुम पेशेंस से पूरी क्लास देखोगे ना तो तुम्हें मजा आएगा सीरियसली आज की क्लास में बहुत मजा आएगा सारे क्वेश्चन यही सॉल्व होने वाले तो डब्ल्यू इज कल टू आर वन टू आर टू पी इन टू पाई आर डी आर आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर इतनी बात क्लियर है एक बार बताओ इतनी बात क्लियर है एक बार बताओ इतनी बात क्लियर है क्लियर 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 चलो नाउ माय डियर फ्रेंड अगर मैं बात करना चाहूं ये हमारा क्या आ गया टोटल एक्सियल फोर्स टोटल एक्सियल फोर्स आ गया बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बेटा एक चीज बताओ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं जी सर फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है तो तुम क्या कहोगे सर फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है डियर फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है माय डियर फ्रेंड फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है म्यू इंटू आर होता है आपको पता ही नहीं बहुत एफ एफ बराबर म्यू इंटू आर आपने सुना है येस और नो फ्रिक्शन फोर्स आपने सुना होगा म्यू इंटू आर जी सर बिल्कुल सुना होगा बिल्कुल 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 आपने इसको सुना होगा एफ बराबर म्यू इंटू आर यस और नो नाउ यहां आर नहीं यहां डी डब्ल्यू है यहां जो लोड है स्मॉल एलिमेंट का वो डी डब्ल्यू है यू कैन सी दिस डी डब्ल्यू है क्लियर सर फ्रिक्शन फोर्स क्यों ले रहे हैं तो क्योंकि हमें क्या चाहिए हमें चाहिए फ्रिक्शनल टॉर्क अच्छा फ्रिक्शनल टॉर्क क्या करोगे सर भाई फ्रिक्शनल टॉर्क होता है फ्रिक्शन फोर्स इंटू रेडियस बोलो हाँ या ना फ्रिक्शन फोर्स इंटू रेडियस ये और नो सो माई डियर फ्रेंड इसको हम कहेंगे म्यू इंटू डी डब्ल्यू इंटू आर अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि ही क्यों लिए हैं माई डियर फ्रेंड ये बताओ ये क्या है सर दिस इज द फ्रिक्शन डिस्क अगर फ्रिक्शन डिस्क है फ्रिक्शन प्लेट क्लच है तो कैसा हम टॉर्क लेंगे फ्रिक्शनल टॉर्क ही तो लेंगे फ्रिक्शन डिस्क है फ्रिक्शन प्लेट है तो कैसा टॉर्क लेंगे फ्रिक्शनल टॉर्क म्यू इंटू डी डब्ल्यू इंटू आर डन सर अच्छा मैं कह रहा हूं म्यू इंटू वट इज द डी डब्ल्यू सर डी डब्ल्यू इज देखा पीछे पी इंटू टू पाई डी आर टू पाईआर इंटू डी आर इंटू बाहर में एक आर और है तो फ्रिक्शनल टॉर्क क्या हो गया म्यू पी टू पाई आर स्क्वायर डी आर ये हो गया हमारा क्या फ्रिक्शनल टॉर्क ना सर एक चीज आपने पढ़ाया नहीं आपने तो ये बताया नहीं कि ये यूपीटी का है या यूडब्ल्यू टी का है या किसका है क्यों है किस लिए है सर ऐसा कुछ नहीं वाई बिकॉज ये जो फ्रिक्शनल टॉर्क है और ये जो एक्सीयल फोर्स है माय डियर फ्रेंड अच्छा एक चीज और सुनिए ये फ्रिक्शनल टॉर्क किसका फ्रिक्शन है एक बार जरा बताइएगा ये फ्रिक्शनल टॉर्क किसका है सर ये फ्रिक्शनल टॉर्क स्मॉल एलिमेंट का है बिल्कुल ठीक है ना ये फ्रिक्शनल टॉर्क किसका है बेटा सॉरी ये फ्रिक्शनल टॉर्क स्मॉल एलिमेंट का है तो हमको इसमें फ्रिक्शनल टॉर्क में ये स्मॉल एलिमेंट का है ठीक है ना मैं यहां लिख देता हूं फॉर स्मॉल एलिमेंट बिल्कुल सर एक्चुअल फ्रिक्शनल टॉर्क क्या होगा एक्चुअल फ्रिक्शनल टॉर्क क्या करना पड़ेगा डियर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा डियर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा मानते हो हाँ या ना ठीक है ना हमें इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना पड़ेगा सर आर वन से आर टू आप इसको आर आई आर ओ लिख सकते हो मैं आर वन आर टू लिखता हूं ना, माई डियर फ्रेंड अगर मैं बात करना चाहूं कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है सर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये और ये ये दोनों जो है मतलब मैं अब यूपीटी यूडब्ल्यू दोनों पढ़ूंगा और दोनों पे मैं टोटल एक्सीयल फोर्स और फ्रिक्शनल टॉर्क दोनों निकाल के चेक करूंगा बहुत ही कायदे से शानदार तरीके से ध्यान से देख इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको आशा करता हूं यू कैन सी यूनिफॉर्म प्रेशर व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म बियर हम दो केसेस लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम दो केसेस लेते हैं और उस पर हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक है ना ध्यान रखिएगा ये जो हमारा फ्रिक्शनल टॉर्क आया और ये हमारा एक्सील फोर्स आया अब हम क्या करेंगे अपने क्लच को ठीक है ना अब हम अपने क्लच को क्या करेंगे डियर अब हम अपने इस क्लच पे जो हम एक्सील फोर्स लगा रहे हैं डियर अब हम इस क्लच प्लेट पे जो एक्सीयल फोर्स लगा रहे हैं डियर यू कैन सी दिस एंड फ्रिक्शनल टॉर्क जो लगा रहे हैं डियर यू कैन सी दिस अब हम अपने क्लच के ऊपर जब हम ये फोर्स लगा रहे हैं डियर यू कैन सी दिस जब हम ये लगा रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे अब हम यूनिफॉर्म प्रेशर कंसीडर करेंगे यूनिफॉर्म वियर कंसीडर करेंगे और ये दोनों कंसीडर करेंगे इसी डिस्क के ऊपर मैं आपको रियलिटी में दिखाऊंगा अभी अभी मैं आपको रियलिटी में दिखाऊंगा और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ध्यान से चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो है हमारा सबसे बेहतरीन दैट इज कंसीडरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी ठीक है ना यूनिफॉर्म प्रेशर का मतलब क्या होगा कि यहां जो प्रेशर होगा वो हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा हमारा प्रेशर जो होगा वो क्या होगा डियर कांस्टेंट होगा अब हमारा प्रेशर क्या होगा डियर कांस्टेंट होगा मेरे बच्चे तो हम क्या करने वाले हैं हम यहां एक्सियल फोर्स और फ्रिक्शनल टॉर्क निकालने वाले हैं सी दिस टोटल एक्सियल फोर्स टोटल एक्सियल फोर्स क्या होगा डियर W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आर वन टू आर टू पी एक्सेकेंड क्या था पी इंटू टू पाईआर डी आर टू पाईआर डी आर

प्रेशर तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन में आर वन से आर टू आर डी आर आर वन से आर टू आर डी आर अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूं और यहां डब्लू लेके आता हूं टू पाई टू पाई पी आर डी आर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आर स्क्वायर बाई टू ठीक है ना उसमें वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर डिवाइड बाई टू ये टू से टू कट जाएगा तो W बराबर क्या आएगा बेटा P पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर बताओ भाई इतनी बात समझ में आई W बराबर जो हमारा टोटल एक्सियल फोर्स है W क्या है बेटा पी पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर ओके डन नाउ यहां से मेरा मन किया मैं एक बार P निकाल देख लेता हूं so, सो P बराबर क्या होगा W अपॉन पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर होगा ना P बराबर W अपॉन पाई दिस क्लियर प्रेशर तो ये हो जाएगा डन और W हमारा ये है क्लियर है एक बार बताओ कितनी बात क्लियर है एक बार बताओ डन करो पहले पहले बताओ डन है क्लियर है इंटीग्रेशन का आर डी आर का क्या होगा इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई टू आर टू और आर वन मैंने रख दिया डिवाइड बाई टू टू से टू उड़ गया खत्म का इतनी बात क्लियर है एक बार कमेंट बॉक्स में बवाल मचा दोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे कमेंट बॉक्स में हंगामा मचाओ ठीक है इतनी बात क्लियर है कमेंट बॉक्स में हंगामा मचाओ फिर आगे बढ़ेंगे इतनी बात क्लियर है बात एक बार बताओ जल्दी क्लियर बिल्कुल 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 तो ये क्या हमारा दिस इज द टोटल एक्सियल फोर्स दिस इज द टोटल एक्सियल फोर्स या प्रेशर इज फोर्स अपॉन हॉलो एरिया कॉमन सेंस था डायरेक्ट आ गया था बट ये घुमा फिरा के आना यूनिफॉर्म प्रेशर में तो डायरेक्ट आंसर आ गया फोर्स अपॉन एरिया बट डब्लू हमारा घूम फिर के आएगा देखना अभी आगे यूज होगा ना अब बारी किसकी है बेटा अब बारी है फ्रिक्शनल टॉर्क की फ्रिक्शनल टॉर्क डीएफ बराबर क्या है भाई इंटीग्रेशन आर वन से आर टू म्यू पी टू पाई आर स्क्वायर डी आर ठीक ना यू कैन सी दिस म्यू पी टू आर म्यू बाईर स्क्वाइड इू बाईर स्क्वा डीयर डन द फ्रिक्शनल टॉर्क इज इक्वल टू बेटा प्रेशर कांस्टेंट है यस yes, सर अब यहां क्या लेंगे हम लोग हमने जो लिया है ना ये हमने जो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी लिया है ना इसका एजम्शन क्या है इसका एजम्पन है कि प्रेशर क्या होगा कांस्टेंट होगा म्यू भी हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा म्यू ऑलवेज कांस्टेंट होता है म्यू जो होता है हमारा ऑलवेज कांस्टेंट होता है ध्यान रखना ठीक है ना तो टू पाई तो कांस्टेंट है ही म्यू भी कांस्टेंट पी आ गया आर स्क्वायर डी का इंटीग्रेशन आर से आर तक किसका आर स्क्वायर क्या होगा पाई म्यू पी। आर के क्या होगा क्यूब बाई थ्री आर क्यूब बाई थ्री तो इसमें क्या आ जाएगा आर टू का क्यूब माइनस आर वन का क्यूब डिवाइड बाई थ्री तो फ्रिक्शनल टॉर्क जो है बेटा हमारा ये अभी दिखाई दे रहा है फ्रिक्शनल टॉर्क हमें अभी ये दिखाई दे रहा है बट अभी हमने जस्ट एक्सियल फोर्स जब पीछे निकाला जब एक्सियल फोर्स जब हमने निकाला तो वहां हमारा पी का वैल्यू हमें पता है डब्ल्यू अपॉन पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर बस पी की जगह जाके उसकी वैल्यू वहां रख दो टू पाई म्यू की जगह क्या होगा डियर है डब्ल्यू अपॉन पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर ये थ्री मैं इसके नीचे कर देता हूं टू बाई थ्री और यहां क्या आ जाएगा आर टू क्यू माइनस आर वन क्यू माई डियर फ्रेंड जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पाई से पाई काटूंगा बिल्कुल और सारा का सारा चीज अब मैं यहां लिख दूंगा जो फ्रिक्शनल टॉर्क आया वो क्या आया टू बाई थ्री म्यू डब्ल्यू एंड दिस एंड दिस टू बाई थ्री म्यू डब्ल्यू आर टू माइनस आर वन अपॉन आर टू माइनस आर वन ऐसे कुछ लिखा है ना अरे सर नीचे स्क्वायर ऊपर क्यूब है हमने का, रुको अभी बताते हैं तुम्हें देखो नीचे थ्री है ऊपर टू है जी सर तो नीचे थ्री है तो ऊपर जाएगा थ्री ऊपर टू है तो नीचे आएगा टू खत्म बन गया फॉर्मूला दिस इज फ्रिक्शनल टॉर्क इन द केस ऑफ UPT, this दिस इज द फ्रिक्शनल टॉर्क इन द केस ऑफ यू याद रखना बेटा ना सर इसको और कुछ लिख सकते हैं यू कैन सी दिस देखो ध्यान से आपको पता है फ्रिक्शनल टॉर्क होता है म्यू डब्ल्यू आर एम दिस किस पेस में बेटा यूपीटी फ्रिक्शनल क्या होता है म्यू डब्ल्यू आर एम सर अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो म्यू तो म्यू है डब्ल्यू तो डब्ल्यू है मतलब टू बाई थ्री एंड दिस टर्म इज आर एम सो वट इज द आर एम आफ्टर कंपेयरिंग टू बाई थ्री कुछ नहीं करना है आर टू माइनस आर वन आर टू माइनस आर वन यहां थ्री है ऊपर में थ्री हो जाएगा यहां स्क्वायर है ऊपर में नीचे हो जाएगा स्क्वायर खत्म का दिस इज रेडियस मीन रेडियस ये क्या है डर ये इसका बहुत बड़ा रोल है याद रखना मीन रेडियस का बहुत बड़ा रोल है क्यों सर क्यों 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 अबे एक चीज बताओ तुमको इस फ्रिक्शन डिस्क पे क्या दिख रहा है सर हमको तो सिर्फ इनर रेडियस आउटर रेडियस मीन रेडियस डी आर यही सब दिख रहा है तुमको पी दिख रहा है ये एक्सेल फोर्स दिख रहा होगा लगा हुआ लेकिन बाकी सब पे देखो सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है रेडियस 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 तो यूपीटी हो चाहे यू हो इनका जो मेन फंक्शन है वो आरएम से ही होता है जितना ज्यादा मीन रेडियस उतना ज्यादा अच्छा या उतना ज्यादा खराब वो अभी आगे पता चलेगा वो आगे पता चलेगा अभी कुछ नहीं कहूंगा ठीक ना? You can see this. ये है ना यू कैन सी फ्रिक्शनल टॉर्क ही आ एम हो गया डन ना डन करो एक बार बिल्कुल सत्य बात है उस रेडियस पर बिल्कुल डन है ये हमारा था क्या बेटा यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी जिसको आप लोग इतना टेंशन लेकर डेरिवेशन करते हो ठीक है ना यू कैन सी दिस ना अब यूनिफॉर्म वियर की यूनिफॉर्म प्रेशर का मतलब क्या था समझ में आया था यूनिफॉर्म प्रेशर का मतलब यह था कि हमारे इस फ्रिक्शन डिस्क के ऊपर प्रेशर यूनिफॉर्म लग रहा था प्रेशर क्या लग रहा था यूनिफॉर्म लग रहा था जी ना यूनिफॉर्म वियर का मतलब कभी समझे सर यूनिफॉर्म वियर का मतलब यह है कि जैसे ये दो डिस्क है ये डिस्क आपस में आएंगे ठीक है ना और समझ में आया क्या कर रहा है ये अच्छा कोई बताएगा मुझे ये क्या हो रहा है सर दिस इज द रबिंग एक्शन सर दिस इज द रबिंग एक्शन यस और नो क्लियर सर नो माई डियर फ्रेंड अगर मैं बात करना चाहूं थोड़ा ध्यान समझना या थोड़ा ध्यान दीजिएगा वियर जो है यूनिफॉर्म वियर यूनिफॉर्म हाँ, वियर बेटा यहां वियर एक वर्ड वियर किसके कारण होता है सी दिस जैसे मान लो मेरा क्लच है अब क्लच प्लेट के ऊपर तुम क्या कर रहे हो एक प्रेशर लगा रहे हो तुम ना दूसरा प्लेट लिए तुम ना दूसरा प्लेट लिए और एका एक इसके ऊपर तुमने क्या किया यूं प्रेशर लगा दिया यूं क्या किया तुमने एकदम एका एक प्रेशर अप्लाई कर दिए तो इसके कारण क्या आ गया डियर एका एक प्रेशर अप्लाई ठीक ना एक, एक प्रेशर अप्लाई करके यहां क्या होगा बेटा इतना एक, एक प्रेशर अप्लाई करोगे तो सिस्टम क्या होगा वियर होगा ना क्यों सर क्यों 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 क्वेश्चन आ जाता है ना बच्चों का यू कैन सी दिस अभी दिखाते हैं है ना अभी सब चक्र चलेगा अरे वाह ये वाला सेट हो गया ये वाला थोड़ा ढीला हो गया पढ़ा दिया ना इस पर हाँ सर के सुनिएगा ध्यान से हाँ इसको थोड़ा ऐसे रख देते हैं ठीक है सीधे सर ये हमारा मेन साफ्ट है और मेन साफ्ट क्या करता है डियर ऑलवेज रोटेट मेन साफ्ट क्या करता है डियर ऑलवेज रोटेट मेन साफ्ट क्या करता है डियर मेन साफ्ट ऑलवेज रोटेट या सर नो सर दिस इज द ड्रिवन साफ्ट ओके नाउ माय डियर फ्रेंड जब सिस्टम एंगेज होगा ठीक है ना और मान लो एंगेज इतना ज्यादा प्रेशर से हो जब ज्यादा प्रेशर से एंगेज होगा और उसके बाद इसके अंदर रविंग एक्शन होगा उसके बाद इस पर क्या होगा डियर रविंग एक्शन अब मैं एक चीज कह रहा हूं जब ज्यादा प्रेशर से तुम दबाओगे और रविंग एक्शन करोगे तो जाहिर सी बात है इसके अंदर वियर होगा सो माई डियर फ्रेंड वियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रेशर आर यू गेटिंग माई पॉइंट एक बार हाँ या ना बता दो दिस इज द दल अप्रोच थेटिकल कॉन्सेप्ट मेरी जान है बोल बहुत अच्छे Now, my dear friend, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं रविंग विलोस्टी रविंग विलोस्टी कॉन्स्टेंट रखते हैं और सिर्फ प्रेशर इंक्रीज करते हैं देखो बेटा इच्छे समझो एक आप एक्सियल फोर्स लगा रहे हो जी सर लगा रहे हैं तो वो उसके कारण एक प्रेशर लग रहा है जी सर लग रहा है ठीक है मैं एक काम करता हूं पहले मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ना एक्सियल फोर्स जो है एक्सीयल फोर्स जो है आप वो बढ़ाओ वेलोसिटी ऑफ रबिंग कांस्टेंट रखो रबिंग वेलोसिटी का मतलब समझे ना माय डियर फ्रेंड अब मैं आपको बोल रहा हूं अगर ऐसा आप करते हो तो वीअर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर नाउ माय डियर फ्रेंड अगर ये क्लच डिस्क है अब मैं आपसे कह रहा हूं आप प्रेशर मत बढ़ाओ अभी आपको डर लग गया ना कि प्रेशर बढ़ाने से वियर हो सकता है एक आ एक ऐसे प्रेशर लगाएंगे चिपकेगा होगा बट अब मैं आपसे कह रहा हूं प्रेशर मत अप्लाई करो नथिंग प्रेशर मत अप्लाई मतलब प्रेशर अप्लाई करो मतलब बढ़ाओ मत प्रेशर जितना अप्लाई हो तो करोगे इंगेज डिस तो प्रेशर अप्लाई करोगे बट अब मैं आपसे कह रहा हूं तुम ना वियर वेलोसिटी बढ़ा दो मतलब रविंग वेलोसिटी बढ़ा दो सुनना मेरी बात मैं दो कंडीशन कह रहा हूं एक बार और कान खोलो और ध्यान से सुनो मैं दो कंडीशन कह रहा हूं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं पानी पी लो सुकून में आ जाओ पानी पी लो कोई दिक्कत नहीं आराम से पानी पी के बात करेंगे पानी पी के बात करेंगे टेंशन मत लो आराम से पियो पी के एकदम सुनो ध्यान से एक बोतल पानी रखा करो मैं बता रहा हूं एक बोतल पानी अपने सामने रखा करो ना अब मेरा क्वेश्चन क्या ये सुनो मैं कह रहा हूं ये प्लेट ये प्लेट में वियर कब होगा यह प्लेट में वियर कब होगा सर मैं ये प्लेट दूसरा प्लेट लेकर आऊं और ना मैं इसको वियर हो जाएगा टूट जाएगा सर ठीक है ना अगर मैं इतनी तेजी से प्रेशर अप्लाई करूं तो इसके अंदर वियर आएगा गारंटी आएगा और और कब आएगा एक तो ये हो गया प्रेशर आएगा तो वियर आएगा दूसरा सर प्रेशर तो जितना आ रहा है वो आएगा ही सर अगर आपने ना इसके अंदर रविंग वेलोसिटी मतलब रविंग वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो गया अगर रविंग वेलोसिटी इंक्रीज हो गया दोनों प्लेट के अंदर तो भी वियर आएगा बोलो हा और नो वेन रविंग वेलोसिटी इंक्रीजेस वेरी गुड साइड बहुत अच्छे यही तो कहना था सो माई डियर फ्रेंड वी आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रविंग वेलोसिटी यस और नो

When V is directly proportional to R and V is directly proportional to VR, so my dear, VR is directly proportional to radius. Yes or no? So, dear, you can see this, these two points. VR directly proportional to pressure, VR directly proportional to radius, that means VR directly proportional to टिंग माई पॉइंट अब सुनो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं पहला क्वेश्चन आपका यहीं से आता है दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करते हैं क्यों वाई वो क्या सोचते हैं वीयर का मतलब फोर्स है वो क्या सोचते हैं वीअर का मतलब फोर्स है एंड वीयर इज डब्ल्यू ठीक है ना एंड डब्ल्यू डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर

मल्टी द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड आर व्हाट इज द वीअर डियर सर वी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी आर ना इफ द यूनिफॉर्म वियर अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म वियर क्या होगा यूनिफॉर्म वियर का मतलब क्या हो गया सर पी एंड आर इज कॉन्स्टेंट आर यू गेटिंग माई पॉइंट Yes, P and R H constant. The word is uniform. Yes. Now, my dear friend, you can see this. Where is the topic? Sir, Pilot W. Total Axial force is this. Total axial force. Ah. Job ja, high. Total axial force. ठीक ना आ गया इंटीग्रेशन आर वन टू आर टू आर वन टू आर टू पी इंटू टू बाई आर डी आर ना माइ डियर फ्रेंड माई क्वेश्चन इज इफ द पी एंड आर इज अ कॉन्स्टेंट So, P and R is constant. So, W is, no, dear, dear, dear. This is another thing. Okay, now. Uh, P and R is constant. 2 pi is constant. Yes. P and R, the product of P and R is constant. So, 2 pi C. What is the meaning of C? Sir, C is constant. C for constant. Okay, now. Now, my dear, look at this. Look at this. Uh, integration R1 to R2 dr. Clear. Integration R1 to R2 dr. Clear, 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 clear. Now. So, W is equal to 2 by C. What is the dr, sir? R. So, R2 minus R1. यहां से करते हैं डिग्रेशन आर वन टू आर टू डी आर यहां से लेते हैं डब्ल्यू इज टू टू पाई सी आर टू माइनस आर नाउ माई डियर फ्रेंड लुक एट दिस दिस इज वॉट टोटल हेक्सियल फोर्स सर मेरे को एक चीज नहीं समझ आ रहा मैंने कहा क्या सर आपने फ्रिक्शनल टॉर्क कहा आपने कहा डब्ल्यू निकालो सब निकाल रहे हैं सर इसका मतलब क्या है क्यों निकाल रहे हैं वाई मतलब ये तो मैं समझ रहा हूं कि इतना एक्सील फोर्स इतना टॉर्क बट वाई यही क्यों वाई अभी सब समझ में आएगा थोड़ी देर रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ अभी सब समझ में आएगा वाई देख हो ना अरे सर इतना आप अच्छा पढ़ा रहे हैं फिर भी बच्चे नहीं आ रहे हैं क्या करें सर क्या करें सर बताओ सर इतना अच्छा पढ़ाने पर भी बच्चे नहीं आते टोटल एक्सेल फोर्स हो गया जी सर अब देखो टोटल एक्सेल फोर्स के बाद क्या हो गया फ्रिक्शनल टॉर्क क्या करेंगे तो चलो इधर अभी हम चलाएंगे पहले आगे पेज है खाली नहीं है वेट करो हाँ फ्रिक्शनल टॉर्क फ्रिक्शनल क्या होगा भाई अरे आओ भाई देखो भाई आर वन टू आर टू म्यू पी टू पाई आर स्क्वायर डी स्क सबसे ज्यादा गुस्सा आता है मेरे पास आर वन टू आर टू म्यू पी टू पाई आर स्क्वायर डी आर यही है ना भाई टू पाई आर स्क्वा डीयर है ना, ना। सर मैंने कहा क्या हुआ सर टू पाई म्यू तो कॉमन होगा ना अरे दादा यू कैन सी दिस म्यू इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इतना मान के चलना है उतने में तो हम कम देंगे आराम से हो जाएंगे एक्सनल टॉर्म टू पाई म्यू देखो टू पाई कॉन्स्टेंट म्यू कॉन्स्टेंट पी एंड एक आर हमारा कांस्टेंट है ठीक है ना पी और एक आर इसमें से ले लो और वो कांस्टेंट हो गया आर डी आर बचा अंदर जी सर सो फ्रिक्शनल टॉर्क आ जाएगा टू पाई म्यू सी आर का क्या होगा आर स्क्वायर बाई टू तो इसका इंटीग्रेशन होगा आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर डिवाइड बाई टू रिक्सनल टॉर्क क्या आएगा ए सी 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 क्या है? अरे अभी तो है इसी पेज पे तो है सी क्या होगा डब्लू अपॉन टू पाई आर टू माइनस आर पाई इनटू इन टू म्यू W upon C -C, -C, C C W upon two pi R two minus R one and R two square minus R one square is what? Sir, R two plus R one. R 2 minus R1 Cancel out. So what is the frictional torque? Ah H index n. pi to pi also cancel out Now, mu w. आर वन प्लस आर टू कुछ मिस्टेक uh, हुआ क्या आर डी आर आर स्क्वायर बाई टू ओके 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 डन 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 मैं समझ गया समझ गया समझ गया यहां ये टू रह गया ना डिवाइड बाई टू सी दिस क्लियर अरे क्लियर अरे मेरे बचपन का प्यार भूल ना जाना रे यू कैन सी दिस ऐसा क्यों बोला सर आपने ये क्या है ये क्या है ये क्या है इसको क्या पढ़ोगे जरा पढ़ के बताना यूनिफॉर्म बियर में क्या कांस्टेंट हुआ सर पीआर क्या कांस्टेंट हुआ पीआर यूनिफॉर्म बियर में क्या कांस्टेंट हुआ पीआर ना एक गाना बड़ा फेमस है आजकल मेरे बचपन का प्यार तो भूल ना जाना रे ठीक है ना समझे तो प्यार को हमेशा ध्यान से देखो और प्यार हमेशा कांस्टेंट नहीं होता लेकिन यूनिफॉर्म वियर में कांस्टेंट होता है ठीक है ना समझे समझे मेरे जाने मन जान मेरे जाने मन समझे यस नो यस और नो कमेंट बॉक्स में बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ प्यार तुम्हारा यहाँ कांस्टेंट है तुम्हारा यूनिफॉर्म वियर के अंदर प्यार कांस्टेंट होगा लेकिन लाइफ में प्यार कांस्टेंट नहीं होता प्यार बढ़ता और घटता है सामने वाले के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है सामने वाले के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि प्यार बढ़ता है कि घटता है सामने वाला कितना गिफ्ट दे रहा है कितना ख्याल रख रहा है कितना ध्यान रख रहा है बाबू सोना कर रहा है ये उस पर डिपेंड करता है कि प्यार कॉन्स्टेंट है बढ़ रहा है कि घट रहा है प्यार इज ऑलवेज नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंट अपने रियल लाइफ में प्यार कभी प्यार्ट थोड़ी ना होता है ठीक है ना तो बचपन का प्यार यहां है ना बचपन का प्यार ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है बट रियल लाइफ में जो है प्यार जो है ना आपका वो घटता और बढ़ता है ठीक है ना यू कैन सी दिस माता पिता का प्यार ऑलवेज बढ़ता है बबली का प्यार घटता है हमेशा याद रख ठीक है ना कोई बात नहीं मैकेनिकल इंजीनियर हो समझ सकते हैं यू कैन सी दिस चलो आगे बढ़ो तो पी इंटू आर क्या हो गया कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया यूनिफॉर्म वियर में ये ये प्यार जो है ना ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ध्यान रखना हमारा पी इंटू आर है वो हमारा कॉन्स्टेंट है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अभी दिखाता हूं अभी सब हलवा की तरह उड़ेगा देखो ध्यान से अरे इसमें इक्वल नहीं किया तुमने यहां इसको इक्विवेलेंट किया था आर निकाला था ना हाँ सर करो ना वहां हाँ क्या दुश्मनी है भाई आओ पहले कर लेते हैं। म्यू नाउ आर एम इज हां कॉमन ले लो आर वन प्लस आर टू वाई टू हाँ जी आ गया जी सर ना एक लिखा है बेस्ट थ्योरीज इज टू बी यूज इन क्लच वो भाई साहब ये क्या आ गया चलो अभी हम तुम्हें दिखाते हैं बचपन का प्यार कॉन्सेप्ट कॉन्स्टेंट होता है तो क्या होता है दिखाता हूं देखो अरे आओ भाई सी दिस अगर मैं बात करूं थोड़ा इधर रहो में लीते सीधे दे, सीधे दे, दे। देखो 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 अरे खो मत जाओ अपने प्यार के चक्कर में इधर देखो ध्यान से पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो वो भी ना मिलेगा ठीक है ध्यान से देखो ये ね、やはりどこかしてます。 दिस कितना मस्त अभी तुम्हें UWT UPT का मतलब पता चलेगा देख कहां से आ गए तुम तो? चलो ब्लू कलर दिस देखो यहां यहां ध्यान से फोकस करो सर ये क्या है अरे दादा ये क्लच प्लेट है हाँ सर ये क्लच प्लेट है ये इनर रेडियस आर वन है यहां तक का आउटर रेडियस आर टू है अगर मैं तुम्हें बोलू कि तुम यूपीटी पढ़ रहे हो तुम यूपीटी पढ़ रहे हो वट इज द मीनिंग ऑफ यूपीटी सर प्रेशर इज कॉन्स्टेंट वेन द प्रेशर इज कॉन्स्टेंट Then pressure is constant. ट इज दिस वो तो देख के बताएगा मुझे ये क्या हुआ है ये क्या हो रहा है भाई ये क्या हो रहा है See this. क्या हो रहा है सर ये क्या हो रहा है अरे दादा नाम है यूपीटी तो यूनिफॉर्म प्रेशर हो रहा है प्रेशर इज यूनिफॉर्म इस डिस्टेंस में ये ये साफ्ट के एरिया में प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं होता कुछ लगता ही नहीं तो क्या हो सो दिस इज व्हाट दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर बोलो या ना दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर बोलो या ना अच्छा अब देख सेकेंड वाला केस क्या है सर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यूपीटी समझ में आ गया होगा बहुत आसान क्योंकि यहां प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में क्या है अनएक्सपेक्टेड थिंग्स मतलब प्यार हमारा कांस्टेंट हो गया हमारे बचपन का प्यार कांस्टेंट हो गया तो पीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस P is inversely proportional to radius. So where is the maximum pressure? Where radius is minimum. Where the radius is minimum, sir R1. So my dear. Pressure is. Pressure edge. Pressure is Maximum. When the radius is minimum, the pressure is maximum. Radius is minimum, pressure is maximum. ना मिनिमम प्रेशर मैक्सिमम रेडियस मिनिमम प्रेशर कहां होगा जहां मैक्सिमम रेडियस होगा मैक्सिमम रेडियस वहां या नीचे समझा समझा कि नहीं समझा बस ये बताओ ये तो समझ गया कि मैक्सिमम प्रेशर होगा मिनिमम रेडियस पे और मिनिमम प्रेशर होगा मैक्सिमम रेडियस पे इनवर्स होता है ओके ना ही दिस इसका मतलब धीरे धीरे हमारा प्रेशर धीरे धीरे हमारा प्यार प्रेशर नहीं प्यार के अंदर प्रेशर नहीं एक गाना है ना एक गाना है तुमने सुना होगा धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना सुना है कि नहीं सुना है तो बस वही है धीरे धीरे से प्रेशर को बढ़ाना तो धीरे धीरे से प्रेशर बढ़ा है यू कैन सी दिस ठीक है ना धीरे धीरे से ही प्रेशर को बढ़ाना सो माई डियर फ्रेंड हेयर मिनिमम प्रेशर मैक्सिमम pressure, now क्या हुआ यहां हमारा धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज करता है ठीक है ना धीरे धीरे से जिंदगी में आना और धीरे धीरे से प्रेशर बढ़ाना ठीक है ना क्योंकि प्यार क्या है जाने जाना प्यार हमारा कांस्टेंट है जाने जाना देखो ध्यान से क्लियर है समझ में आया समझ में आया जी सर नाउ माय डियर फ्रेंड दिस इज फॉर यूपीटी प्रेशर कांस्टेंट बट दिस इज व्हाट दिस इज फॉर तुम्हारी जर्नी तुम्हारी लाइफ जर्नी मतलब तुम्हारी लाइफ जर्नी है ये प्रेशर बढ़ गया जी सर सर अब मेरा क्वेश्चन है सर. मैंने कहा क्या ऐसा बड़ा क्वेश्चन है बी इन द क्लच सर आपने दोनों थ्योरी पढ़ा दिया बहुत अच्छा लगा ग्रेट 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 जबरदस्त लाजवाब जबरदस्त जिंदाबाद हम आपको इनाम दे देते हैं पद्म भूषण दे, दे देते हैं यूपीटी और यूडब्ल्यूटी में से कौन सा यूज होगा ये बताइए ठीक है ना ज्वाइनिंग लीनियर नहीं होगा इसीलिए तो मैंने कहा धीरे धीरे से प्रेशर बढ़ाना तुमने मेरी बात नहीं सुनी एक्सपोनेंशियली ज्वाइनिंग होगा लीनियर नहीं रखेंगे ठीक है ना ये प्रेशर जो वेरिएट करता है ना प्रेशर जो वेरिएट करता है यूडब्ल्यू डी में वो एक्सपोनेंशियली जाता है ई टू पावर एक्स ठीक है ना ध्यान रखना सो माय डियर फ्रेंड दिस इज रेडियस ए सॉरी दिस इज प्रेशर दिस इज रेडियस अच्छा ये ग्राफ अगर कोई पूछेगा सुनो मेरी बात एक चीज और सुनो कोई कल को ये पूछेगा कि मेरे को यूपीटी का ग्राफ बना कर दीजिए या पूछेगा यूडब्ल्यू का ग्राफ बना कर दीजिए या मान लो आपसे कहेगा कि ये बताओ रेडियस और प्रेशर के बीच में क्या ग्राफ है तो क्या करोगे तुम ऐसे करोगे सुनो मेरी बात इसमें ये इसमें ये समझे मेरी बात यहां प्रेशर कांस्टेंट है और यहां प्रेशर धीरे 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 बढ़ रहा है रेडियस कम हो रहा है प्रेशर बढ़ रहा है समझ में आया ठीक है ना बिल्कुल सो धीरे धीरे से जिंदगी में आना लाइक बटन भी तुम दबाना लाइक बटन भी तुम दबाना मेरे भाई ध्यान से तो विस थ्यूरी इज टू बी यूज इन क्लच सर अगर पता चल जाए ना तो मैं अभी पद्म भूषण दे दूं आपको अभी बताते हैं बेटा काय परेशान लेट अस सपोज मेरे पास दो बच्चे दौड़ कर आए सुनना मेरी बात ध्यान से लेट अस सपोज मेरे पास दो बच्चे दौड़ते हुए आए इतनी हाई स्पीड में दौड़ते हुए आए कि सांसें फूल गए बेचारों की। एक ने कहा सर 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 मैंने कहा क्या हुआ सर मेरा 85 मार्क्स आएगा सर इस बार गेट में मैंने कहा वेरी गुड दूसरे ने कहा सर मेरा इस बार 75 मार्क्स आएगा तो बहुत अच्छे क्या है ये एक ने बोला सर इस बार मेरा एट्टी फाइव मार्क्स आएगा सर एक ने बोला सेवेंटी फाइव मार्क्स आएगा सर मैं किससे ज्यादा खुश रहूंगा मैं खुश इससे हो जाऊंगा तुम्हारा एट्टी फाइव मार्क्स आएगा बहुत अच्छे जबरदस्त लाजवाब सी दिस हुआ क्या रिजल्ट आया समझ में आया हुआ क्या रिजल्ट आया जब रिजल्ट आया ना इसका कितना आ गया इसका आ गया सेवेंटी मार्क्स कितना आ सेवेंटी एट मार्क्स दोनों आए ये पहले आएगा सर देखो मैंने सेवेंटी फाइव बोला था इस बार सेवेंटी एट आया एक्चुअली एक्चुअली सेवेंटी एट और 85 बोल के 70 लाने वाले बच्चे अब ये बताओ मैं इन दोनों में से किससे खुश रहूंगा अच्छा नाम नहीं दिया मैंने ओहो अरे यार ऊपर मैंने जो लिखा उसको मत समझो तुम ऊपर में जो लिखा उसको मत समझो तुम बस ये देखो ये चिंटू है और ये बबलू है मैं किससे खुश रहूंगा मैं चिंटू से खुश रहूंगा कि बबलू से तुम बताओ अरे बताओ रे मैं किससे खुश हो जाऊंगा ठीक है बताओ बबलू से राइट कम बोलकर ज्यादा देने वाले ही पसंद होते हैं मुझे लेकिन ज्यादा बोलकर कम लाने वालों से मैं कभी बात ना करूं। ठीक है ना जो बोलते हैं रे मेरे को तो पूरा क्लच आता है लेकिन उनको यही नहीं पता है कि बीस थ्यूरी इज यूज इन क्लच बोलते हैं मेरे को पूरा क्लच आता है लेकिन उनको पता ही नहीं है कि बीस थ्यूरी इज यूज इन क्लच जो बोलते हैं कि सर मुझे क्लच नहीं आता और उनको सब पता होता है सुनते हैं सीखने की कोशिश करते हैं ऐसे बच्चे चाहिए मुझे इसीलिए आजकल तुम्हें चिंटू नहीं दिख रहा होगा बोर्ड पे दिखता है क्या नहीं दिखता है ना मैंने चिंटू को बाइकाट कर दिया बबलू आ गया मेरी लाइफ में समझ में आई मेरी बात समझ में आई यस वर्क हार्ड साइलेंसली कैन सी दिस तो चिंटू बिल्कुल पसंद नहीं अब सोचो एक कंपनी ने तुम्हें बोला सुनो मेरी बात ध्यान से एक कंपनी ने तुम्हें बोला आ, सर मैं आपको दे रहा हूं ब्रांड नहीं एक फोन मस्त ले जाइए एकदम मस्त चलाइए कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आप इसको खतरनाक चलाइए कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी आरी? लाइफ टाइम वॉर ठीक है ना एक दिन मैं एक ड्रेस खरीदने गया है ना आ, मेरे को याद है हाँ बहुत दिन पहले की बात है ठीक है शर्ट खरीदने गया कभी नहीं फटेगा मैंने कहा है ए, लाइफ टाइम वारंटी है मैंने कहा क्या बात कर रहे हो मतलब ऐसे बोल लाइफ टाइम वारंटी आप लेकर जाइए आप पहनकर देखिए आपका दिल खुश हो जाए मुख्य लाइफ टाइम वारंटी मतलब कभी नहीं फटेगा कह रहा बस जब तक आप कैंची से नहीं काटेंगे तब तक नहीं फटेगा तब तक नहीं कटेगा ओ भाईस। समझ रहे हो? ऐसा बोल डाला उसने बेचने तो के लिए इतना खतरनाक फेंका उसने ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा मैंने कहा अच्छा जी। कंपनी ने बोला कि मैं एट्टी फाइव मार्क्स लेकर आऊंगा आया फिर उसके बाद क्या हुआ एक दिन मैं प्रेस कर रहा था गलती से प्रेस से थोड़ा सा जल गया थोड़ा थोड़ा सा ही जला हल्का फिर कुछ दिन पहनने के बाद वो अपने आप था हटाक मैं लेकर गया अरे भाई साहब आपने बोला था कभी नहीं बदलेगा लाइफ टाइम है, चेंज करो नया शर्ट दो मेरे को कहता सर देखो कि हुआ क्या ये हुआ कैसे मैंने कहा मैं प्रेस कर रहा था प्रेस करते बाद कुछ देर बाद ये खराब हो गया फट गया सर भाई साहब देखो मैंने आपको ये बोला था कभी नहीं फटेगा अगर जब तक आप इस पे कैंची ना चलाओ जब तक आप इसको परेशान ना करो मतलब मतलब आपने ये तो बताया कि 85 मार्क्स आएगा लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सर कुछ क्वेश्चन मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि मेरा सही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है मैं एज्यूम करके चल रहा हूं मेरा सही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो ना हो मैं सही हूं तभी तो तुम्हारा सत्तर नंबर आता है तो कुछ कंपनी कहती है भाई साहब हम इतना देंगे आपको क्वालिटी है ना हम ए सी लगवाए हम बहुत खुश हुए यार अब तो कोई टेंशन ही नहीं आएगा टेंशन ही नहीं आएगा भाई पहला मंथ बीता साढ़े सात हजार का बिल आ गया मैंने ए सी वाले कॉल किया भाई तुम कौन सा ए सी गए हो मेरे फाइव स्टार ही लगाया हो ना कहता सर एक बार चेक करो आया बुलाया मैंने मैं चेक कर अपना ए सी पहले साढ़े सात आठ हजार का बिल है इतना महंगा तुम कहे कुछ नहीं आएगा फाइव स्टार है बढ़िया चलेगा आपका एक रत्ती भर का बिजली बिल नहीं आएगा सौ रुपए का बिल आएगा हा? ये क्या है भाई सर आपने कितने देर चलाया मैंने कहा मैं सोलह घंटा चलाता हूं एसी सी चौबीस घंटे में सोलह घंटे सर इतना कौन चलाता है मैंने तो सिर्फ चार घंटे के हिसाब से बोला था मैंने कहा तो तुम बोले कुछ तो कंपनी बोलता कुछ और, है और निकलता कुछ और है, ऐसी चीजों से आप खुश रहोगे ना कभी जीवन में नहीं बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम बोलते हैं और ज्यादा चलते हैं। कम बोलते हैं ज्यादा चलते हैं समझ में आई मेरी बात कम ज्यादा ये ज्यादा अच्छा है हमारे लिए सो माई डियर फ्रेंड विस थ्यूरी इज टू बी यूज इन सर कोई भी थ्यूरी हो कम हो या ज्यादा चले यू कैन सी दिस तुम इसी को पसंद करोगे ना नाउ अगर मान लो एक है यूपीटी

बच्चा लोग वैल्यू पुट करो आर एम बताओ मुझे मुझे सुनना है आर एम मुझे आर एम जानना है क्या है अकॉर्डिंग टू यूडब्ल्यूटी टी दस प्लस बीस बटे दो दैट मीन्स तीस बटे दो दैट मीन्स फिफ्टीन इसका आर एम बताओ इसका आर एम तो आ गया उसका आर एम बताओ रेडियस बताओ कितनी वैल्यू आई कितनी वैल्यू आई अरे दादा देखो यार पढ़ना लिखना हम छोड़ देंगे सच बता रहे हैं लैपटॉप में लिख के कैलकुलेटर में लिख के आ रहा है कॉन्स्टेंट मैंने कहा प्यार तो कॉन्स्टेंट हो नहीं रहा सही से एक पिट्टी के जाए बहुत बड़ी बात माइनस टेन का क्यूब आया क्या आंसर डिवाइड बाय आर टू स्क्वायर मैं सारूंटी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन पॉइंट फाइव फाइव वाह आप देख रहे हो ना कौन सा लड़का है जो ज्यादा मार्क्स बोला और कम करेगा यूनिफॉर्म प्रेशर अरे मैं यहां देखा हमने करी आरएम यूनिफॉर्म प्रेशर का इतना अच्छा देखने में इतना जबरद अबे तुम कहां से आ चलो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का मेन रेडियस अच्छा मीन रेडियस ही क्यों देखें कभी देखें सोचा कभी क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूपीटी का मीन रेडियस ज्यादा है एज कंपेयर टू यूडब्ल्यू टी मैं इतना खुश हुआ हमने कहा माय गॉड मैं तो कौन सा लूंगा मैं तो यूपीटी लूंगा मैं कौन सा लूंगा मैं तो यूपीटी लूंगा भाई मैं तो यूपीटी लूंगा फिफ्टीन पॉइंट फाइव फाइव है मैं नहीं जानता मैं तो यूपीटी से खुश हूं मैं लेकर आया घर मैंने कहा आप कभी खराब नहीं होगा क्लच पकाई दे मैं गाड़ी चलाया बट नया नया क्लच था बहुत मस्त परफॉर्मेंस लाजवाब परफॉर्मेंस बट हाँ अरे वाह रुको जरा सवर करो अभी सब दिखेगा अभी सब दिखेगा हाँ जी अब देखो कुछ दिन के बाद भाई साहब का पंद्रह कहाँ घिसक के आ गया भाई साहब का पंद्रह घिसक के आ गया दस पे भाई साहब अपना क्लच प्लेट उठाए क्लच प्लेट उठाए और दौड़े दौड़े गए भैया भैया आपका क्लच प्लेट खराब हो गया भैया क्या हुआ भैया आपने फिफ्टीन पॉइंट फाइव फाइव बोला था भैया आ गया भैया दस आ गया अरे भाई साहब हमने तो आपको बोला था कि ज्यादा तेज मत चलाना हम तो आपको नए कंडीशन में बोल के गए थे आपने पूरी बात पूछी भाई साहब ये वही बात हो गई ना अरे भाई साहब आपने पूरी बात सुनी आपने सुना ही नहीं आप बहुत जल्दी में थे लेकर चले गए मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि नया नया होगा तभी आपको फिफ्टीन देगा बाद में खराब होगा घिस जाएगा फ्रिक्शन प्लेट घिस गया तो ये हो विच वन इज द मोस्ट सेफ थ्यूरी विच वन इज द मोस्ट सेफ थ्यूरी यू डब्ल्यू टी इसीलिए जो देखने में अच्छा लगता है वो होता नहीं मोर कंजरवेटिव क्लियर 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 है ना है ना क्लियर क्लियर है ना तो माय डियर फ्रेंड आज का जो टॉपिक था व्हाई यूपीटी एंड यूडब्ल्यूटी इज इंपॉर्टेंट एंड विच वन इज करेक्ट फॉर योर क्लच विस थ्यूरी इज टू बी यूज इन द क्लचेस आया आया अरे गजब क्लियर 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 मैंने क्लास में घुसते ही दो बातें बोली थी एक आपको बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के और एक थ्योरी ऐसी है जो बस देखने में अच्छा लगता है आ, एक थ्योरी ऐसी है जो सेफली है मोस्ट सेफ ठीक है ना एवरीथिंग इज ओके आज की क्लास में मजा आया फीलिंग बेटर अब एक चीज मैं आपसे और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आई रिक्वेस्ट विच एंड एवरी स्टूडेंट अपना अपना जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ठीक ना लाइव चैट में है तो लाइव में है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में तो जरूर लिखिएगा क्या ऐसे ऐसे प्रोसेस से आपको समझ में आया क्या ऐसे ऐसी चीजें मैं आगे और करूं मतलब मतलब देखो एक तो एनिमेशन चलता ही है एनिमेशन तो ठीक ही है दूसरा एनिमेशन के साथ साथ मैं आपको ये सारी चीजें लेकर आऊं या नहीं बताओ ये खिलौने लाकर मैं आपको समझाऊं हाँ या ना अच्छा लगता है तो बताओगे हाँ मजा आता है ऐसे जिसको ज्यादा एंटी देते हैं उसका पूरा यूज करते हैं <laughs> सही कहा हैशेक डिजाइन मेरी जान है वेरी गुड ठीक है चल ऐसे ही चाहिए ना ऐसे ही चाहिए ना ऐसे ही चाहिए ना बताओ सच सच बताओ ऐसे ही चाहिए ना एनिमेशन भी होगा और ये भी होगा मैं दोनों करूंगा एनिमेशन तो अपन चला ही रहे हैं कुछ नया भी करेंगे ठीक है ना यार गजब चाहिए 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 अरे भाई कमेंट बॉक्स में आग नहीं लगाओ डालोगे अरे कमेंट बॉक्स भर डालो यार क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो तुम लोग तुम्हारे होते हुए कमेंट बॉक्स सूखा पड़ गया ऐसे सूखा मत पड़ ठीक ना न माई डियर फ्रेंड जी सर क्लास खत्म हो गई क्या ना 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 कौन बोला किसने बोला डिटर माइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एवरेज प्रेशर इन द प्लेट क्लच इज वेन द एक्सल फोर्स इज फोर किलोमीटर द इनसाइड रेडियस ऑफ द क्लच सर्फेस इज फिफ्टी एम एंड द आउटसाइड इज हंड्रेड एम अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म वियर लॉ भाई मैक्सिमम एंड मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम एंड एवरेज प्रेशर तीनों निकालना है ध्यान से देख लो फॉर्मूला लगाना यार सीधे लगाओ ना खिलौने चाहिए अरे वाह खेलने के दिन आ गए तुम्हारे ठीक है ना अच्छा अच्छा यही सारी चीज कमेंट बॉक्स में भी लिख देना जरा। तुम लोग कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं लिखते मेरे को कमेंट पढ़ने में सीरियसली बहुत मजा आता है मतलब सोच लो जब मैं ना ऐसा फील करता हूं ना कि यार फीलिंग डीमोटिवेटेड तो बच्चों को कमेंट खोल के पढ़ो बच्चों कमेंट पढ़ता हूं खैर मैं हूं कुछ ठीक है ना वैसे मैं हूं तो बहुत कुछ आपके लिए ठीक है जब तुम लोग कमेंट पढ़ता हूं ना तो एक अलग सी एनर्जी आती है और लगता है कि ना अब तो मैं भी मतलब कहते ना कर हर मैदान फतेह तो वो चीज मेरा मोटिवेशन तुम लोग हो तुम्हारा मोटिवेशन मैं हूं ठीक है कमेंट बॉक्स में भी लिखा कर ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग से यूनिफॉर्म वियर का है मिनिमम प्रेशर मैक्सिमम आराम से आप निकाल लोगे Formula में ही वैल्यू रखनी है आराम से आ जाएगा ठीक ना आपको बचपन का प्यार प्यार्ट करना है बचपन के प्यार को भूल नहीं जाना रे है ना यूनिफॉर्म वियर है तो बचपन का प्यार आज से कमेंट भी अरे बिल्कुल आज से नहीं मैं पिछले दस क्लास में कमेंट करके आओ मेरे को देखना है मजा आना चाहिए मजा करो करो कमेंट करते ना तो अच्छा लगता है मुझे ठीक है ना ये क्वेश्चन हो जाएगा प्यार को कांस्टेंट रख देना हो जाएगा ठीक है ना कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं सुन लो इसी बता देते यही बता दे। ये यह देख लो अरे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जब ये होता है तो यही चलते है। कुछ चीजें बताना चाहता हूं बेटा सुन लो मेरी बात मैं कुछ चीजें आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो सुन लो मेरी बात सुन, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो कहीं जाएगा नहीं कोई दो आप दो लाइन सुन लो मैं ज्यादा नहीं दो मिनट लूंगा प्लीज सुन लो आज क्या तारीख है जी? आज है पच्चीस ना 25 छब्बीस 27 28 देखो मैं क्या बताने वाला हूं तुम सोच भी नहीं सकते अभी सुनोगे सुन। आप का थ्री पीएम एक सेशन चल रहा है आपको पता है ना तो ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अगस्त को आज तो आपका वर्चुअल कैलकुलेटर का खात्मा है लास्ट क्लास आज हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग सीधे क्वेश्चन लाके करेंगे 26 अगस्त आप लोग से कल वादा किया था आपको याद है वादा कर लो साजना भूलना नहीं एम अपॉन ई आई डायग्राम आपको पढ़ाऊंगा जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है ना मतलब मतलब मैं पढ़ाने वाला हूं मूवमेंट एरिया मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मतलब क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करना है तो मूवमेंट एरिया मेथड जरूर पढ़ सत्ताईस अगस्त और 28 अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थ्री पी टाइम यही है बेटा सत्ताईस अगस्त को आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना आप सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे रिविजन हाउ टू रिवाइज ठीक है ना रिविजन फॉर गेट टू जीरो टू gate रिविजन फॉर गेट टू जीरो टू टू ये क्या है ये ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कैसे हर सब्जेक्ट को किस किस दिन कैसे कैसे करके आपको रिवाइज करना है ठीक है ना एंड ट्वेंटी एट थ्री ट्वेंटी एट को थ्री पीएम नहीं है ट्वेंटी एट को ट्वेल्व पीएम है ट्वेंटी एट ट्वेल्व पी एम आप लोगों के लिए एक सेशन है हाउ टू स्टे मोटिवेट इन गेट एग्जाम गेट एग्जाम में कैसे मोटिवेटेड रहोगे मतलब जरूरी है बेटा मोटिवेशन एक तो आपको पता ही है बहुत जरूरी है आप लोगों को कैमरा नहीं है उस साइड में आपको दिखाता कि मैं मैं अपने सामने मैं यहाँ खड़ा ना मेरे सामने वॉल पे ना इतने सारे मोटिवेशन लगे हुए ना मैं जब देखता हूँ ना मेरे को फील होता है हाँ ये है ये है ये है जब मैं इन मोटिवेशन थॉट्स को जब पढ़ते हो ना मोटिवेशन जब सुनने को मिलता है ना तो बेटा एक अलग सी एनर्जी बन जाती है ये चीज ध्यान रखेगा तो आपको रिविजन कैसे करना है आपको गेट एग्जाम में मोटिवेटेड कैसे रहना है ये सब छोटे छोटे सेशन मैं आपको आके पकाने वाला नहीं मैं यहाँ आके आपको समझाने वाला हूं बस बीस बीस पच्चीस पच्चीस मिनट बहुत जरूरी है बेटा ये रिविजन वाले में मान लो चला जाएगा चालीस मिनट का क्लास क्योंकि तो का प्रोसेस बताऊंगा एक एक सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना है क्या क्या टाइम होना चाहिए पूरा टाइम टेबल लेकर आऊंगा YouTube वाले बच्चों के लिए और प्लस वाले बच्चों के लिए सबके लिए सबके लिए ही ध्यान रखना ठीक ना ये तो हो गया ये ना एक लास्ट सूचना लास्ट सूचना आज है 25 अगस्त और आज शाम को सात बजे से मैं आपका फ्लूड मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहा हूं कहा भाई कहां स्टार्ट करें स्पेशल क्लास में है ना फर्स्ट टाइम इन अन अकेडमी फर्स्ट टाइम इन अनएकेडमी में आपको फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ाने आ रहा हूं आई रिक्वेस्ट दिव्यांग बेटा तुम्हारा गेट के लिए भी हो जाएगा ई के लिए भी हो जाएगा जो टॉपिक गेट का है तुम गेट के लिए पढ़ो लो और ई के लिए जो एक्स्ट्रा टॉपिक है ना मैं गेट का पढ़ाने के बाद लास्ट में पढ़ाऊंगा मतलब इसी में है यही चीज है इतने में गेट हो जाएगा और इसी के आगे ई एस ही पढ़ाऊंगा जैसे पावर स्क्रू गेट में नहीं आएगा जैसे आपका स्प्रिंग गेट में ज्यादातर स्प्रिंग तो आ जाता है गेट में नहीं आपका जैसे कई सारे टॉपिक हैं छोटे 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 अभी ध्यान नहीं आ रहा है एक मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके उसमें नहीं आता इसमें आता तो पहले मैं गेट पढ़ा रहा हूं उसी के साथ साथ आगे पढ़ाऊंगा ठीक है ना सारा एक साथ है अलग से कुछ नहीं है। तो आज से स्पेशल क्लास में स्टार्ट करें सेवन पी लिंक मैंने आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है ध्यान रखिएगा ठीक है ना ठीक है गए ठीक है ना नायन थैंक यू सो मच इतना तक बैठने के लिए आप लोग हाँ कंप्लीट कोर्स डिटेल्ड कंप्लीट कोर्स दस बैचेस ठीक ना और बार्क का तो साढ़े चार बजे चल रहा है, ये तो चलता है इसको कोई ही। ना? कुछ बैचेस अनाउंस हुए पच्चीस अगस्त से यह बैच स्टार्ट हुआ है एक्सिलेट आरोहन बैच टारगेट बैच फॉर ई एस सी प्रिलियम्स यहाँ आपका इंजीनियरिंग सेफ्टी स्टार्ट हुआ है ठीक ना आज आज से ही स्टार्ट हुआ है मिशन डी डी आर आज से स्टार्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग ठीक है ना ध्यान रखना डियर गेट एंड कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बारह महीने अठारह चौबीस महीने का आलोक लाइफ कोड लगाओगे खटाखट फीस कम होगा याद रखना ऐसे ही आइकॉनिक में भी आलोक लाइफ कोड लगाओगे बारह महीने अठारह फीस कम हो जाएगा यू कैन सी दिस कोड क्या है सर आलोक लाइव है बारह महीने पे दो महीने चौबीस पे चार महीने आलोक लाइव कोड लगाओ और हमारे साथ जुड़े रहो यू कैन सी दिस पर मंथ ई जो है डियर यू कैन सी दिस आप ई बेसिस पे हमें ज्वाइन कर सकते हो दिसरफुल अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टूडेंट

ठीक ना सात बजे आठ बजे नौ बजे आज तीन क्लासेस होंगी ठीक है ना हैशटैग करके दिखाएंगे याद रखिएगा ठीक है ना मिलते हैं आज रात में सेशन को लाइक तो करो यार जाने से पहले और जो बच्चा मैकेनिकल और एक्ससी से जुड़ना चाहता है बेटा वो यहां जुड़ सकता है क्योंकि मैं आपको यूट्यूब पर एस एक्ससी डी सॉलिड शाम को साढ़े चार बजे करवा रहा हूं फोर थर्टी पी एम एक्सीडी सोम का सॉलिड मैकेनिकोर थर्टी पी एम शाम को चल रहा है एंड इवनिंग में सेवन एट नाइन जो चल रहा है ये बेटा एक का है है ठीक ना फ्लूड सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक like करो सेशन को शेयर करो अपने दोस्तों तक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है ना एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट थैंक यू सो मच फॉर आप क्लास में आते हो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे खुद अच्छा लगता है ठीक है ना कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइव आया करो ठीक ना इसी तरह बने रहो प्यार बनाए रखो एंजॉय so दबाए तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत आज दिन में थ्री पी एम थ्री पी एम वर्चुअल कैलकुलेटर क्लास है आना नहीं भूलना वाई बिकॉज आज हम क्वेश्चन लेकर आएंगे वर्चुअल कैलकुलेटर में ओके सो so ले सभी को जय हिंद जय भारत